यूट्यूबर आगे कैसे बढ़े, जो तो आपका व्यूज सब्सक्राइबर ये बिल्कुल भी नहीं घटेगा। एक तो क्या, कम से कम ऐसे करके मैंने 500 लोगों को जोड़ लिया। मेरे को मोटिव क्या था कि चैनल को मोनिटाइज कराना है, यही। लेकिन चैनल मोनिटाइज करा के क्या करोगे जब उसमें व्यूज नहीं है, ग्रोथ नहीं है, व्यूज नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा मोनिटाइज से, ठीक है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का स्वागत है शिवानी अमीलपुर ब्लॉग में। बट आज का वीडियो ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है, आप सभी की कमेंट के डिमांड पर आज का वीडियो है। और आगे आपको पता चलेगा, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं गाइस कि आपके चैनल पर बोल रहे हैं कि मेरे चैनल पर पहले अच्छा व्यूज आता था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब पहले 1000 आता था, अब 1000 में 400 500 या 200 250 ही रह गया है। बहुत से लोगों का कमेंट है कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ के घट जा रहा है, मेरा व्यूज आके घट जा रहा है, लाइक घट जा रहा है, तो क्या वजह है जिसकी वजह से आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वो सब आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। एंड आपका न्यू चैनल है तो उसको कैसे ग्रो करना चाहिए, इस सभी का इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले गाइस कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट, क्योंकि इतना आप लोग करते रहिए, बाद बाकी मैं देख लूँगी करना क्या है। और दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि आपके चैनल पर व्यूज आकर घट क्यों जाता है, सब्सक्राइबर आके घट क्यों जाता है, और जो आपका लाइक है वो क्यों घट जाता है, ऐसा क्या गलती क्या करते हो आप जिससे आपका ये व्यूज सब्सक्राइबर घट रहा है और आपके चैनल पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। सालों से काम कर रहे हो, 1-2 साल, 5 साल से, बहुत से लोग 7 साल से काम कर रहे हैं लेकिन उनके चैनल पर ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, आखिर वो गलती क्या है जो आप लोग करते हो, तो चलिए गाइस बताते हैं। सबसे पहली गलती क्या है कि आप लोग अपने चैनल पर रेगुलर नहीं हो। सबसे पहले गलती यही है कि आप अपने चैनल पर रेगुलर नहीं हो। देखिए, जो भी बंदा कितना भी अच्छा डाल ले लेकिन अगर उसका चैनल न्यू शुरुआती है और वो रेगुलर मतलब जैसे कि आज आपने एक वीडियो डाल दिया, ठीक है, एक आप अगले हफ्ते डाल रहे हो, एक महीने बाद वीडियो डाल रहे हो, ये भाई रेगुलर नहीं है, ठीक है। रेगुलर जैसे कि आज वीडियो डाला, कल भी डाला, हर एक दिन आपको वीडियो डालना पड़ेगा अगर चैनल को सच में ग्रो करना है। भाई दिमाग खोल लो सभी लोग कि सच में अगर ग्रो करना है तो आपको डेली वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत से लोगों का कमेंट यह भी रहेगा कि मैं तो डेली वीडियो अपलोड करता हूँ फिर भी मेरा व्यूज नहीं आता है, सब्सक्राइबर नहीं आता है। चलो कोई नहीं, वो भी बताते हैं, रुको जरा सबर करो। देखिए, जो लोग डेली ये करते हैं उनके चैनल पर बहुत सी मिस्टेक है। क्या, पहला पॉइंट कि आपका थंबनेल अच्छा नहीं होता है, ठीक है, थंबनेल अच्छा नहीं होता है। उसके बाद आपका जो वीडियो है उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं होता है कि लोग आपकी वीडियो को देखें पूरा, और वीडियो जब पूरा नहीं देखेंगे तो CTR नहीं बढ़ेगा, ठीक है। CTR नहीं बढ़ेगा तो भाई व्यूज कहाँ से आएगा, ठीक है, समझ गए। पहली गलती आपका जो रेगुलर नहीं हो, दूसरा थंबनेल अच्छा नहीं होता है, तीसरा आपकी वीडियो में ऐसा क्या है जिससे लोग रुके, हमें बताओ भाई ऐसा क्या है आपकी वीडियो में जिसमें हम लोग रुके आपकी वीडियो में। भाई कुछ ऐसा डालो वीडियो में जिससे लोग आपकी वीडियो पर रुक जाए, ठीक है। ये तीन चीजें रख लो, ऑटोमेटिक आपका चैनल ग्रोथ पकड़ेगा, ठीक है। इतने से भी नहीं पकड़ता है, वही मैं बता रही हूँ, रुको जरा। आपको क्या करना है, अपने चैनल पर सबसे पहले थंबनेल बेस्ट बनाना है, रेगुलर वीडियो अपलोड करनी है, और सबसे मेन पॉइंट अपनी वीडियो को यूनिक रखना है, ट्रेंडिंग वीडियो रखना है। अपनी वीडियो में कुछ ऐसा रखो, अगर 10 मिनट की वीडियो है भाई साहब, अगर कोई बंदा 7 मिनट तक रुक जाए, ये अपनी वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में 7 मिनट तक लोगों को रोक के रखना, उनको अच्छा कुछ दिखाइए जिससे वो लोग रुके, ठीक है। 7 मिनट तक रुकेंगे तो भाई CTR हाई होगा, चैनल अपने आप ग्रोथ करेगा। ये एक वीडियो में नहीं करना है आपको, ये हर एक वीडियो में करना है। जैसे कि 100 की 100 वीडियो में ऐसा वीडियो रखना है कि आपकी वीडियो पर लोग रुके, भाई रुकेंगे सीधा से ग्रोथ होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो यार, वीडियो बना के डाला, आप लोग क्या, मैं खुद करती हूँ, मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी खुद यही करती थी कि चलो भाई वीडियो डाला और हो गया। वीडियो पढ़ना इम्पोर्टेंट है लेकिन वीडियो में क्या है वो चीज़ हम भी नहीं देखते थे, ये देखते हैं कुछ भी डालेंगे लोग देखेंगे, भाई क्यों देखेंगे, हम लोग का जो चेहरा है इतना वायरल तो है नहीं जो कुछ भी डाल देंगे देखेंगे।
तो वीडियो में कुछ ऐसा रखिए, कुछ स्मार्ट बनिए थोड़ा सा, कुछ वीडियो में ऐसा रखिए जिससे लोग आपकी वीडियो पर रुके। पहला पॉइंट बता दिया, थंबनेल अच्छा रखो, रेगुलर रहो, और आपकी वीडियो में कुछ ऐसा रखो जो ट्रेंडिंग हो और यूनिक। वीडियो में 10 मिनट की वीडियो है तो उसमें 7 मिनट लोग रुके, ठीक है, पक्का चैनल ग्रोथ पे जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग बोलते हो कि मेरे चैनल पर व्यूज घट जाता है, सब्सक्राइबर घट जाता है, लाइक घट जाता है, इसका कारण क्या है गाइस, क्यों घट जाता है? तो मैंने देखा है, बहुत से लोगों को देखा है, किसी की लाइव में जाकर, किसी के चैनल पर जाके आप लोग कमेंट करते हो, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज मुझे भी सब्सक्राइब करें, प्लीज मेरे चैनल पर आके हमें ज्वाइन करें। यहाँ तक तो ठीक है, ज्वाइन करें, तो लोग क्या करते हैं, आपने ये लिखा सपोर्ट, तो ये चीज YouTube पकड़ लेता है आपके, आपकी ये जो सपोर्ट वर्ड है, कौन कौन से वर्ड किसी की लाइव में, किसी की वीडियो में नहीं लिखने चाहिए आपको, पहला वीडियो, दूसरा सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट, इतने जो भी आपके यूनिक वर्ड हैं इनको नहीं लिखना चाहिए किसी की लाइव में, कमेंट में और वीडियो में, ठीक है। तो ये सब वर्ड लिखने से आपको कुछ टाइम के लिए, जैसे अभी आपने उसको सब्सक्राइब किया अगले इंसान को, अगला इंसान आपको उसी घंटे में सब्सक्राइब कर लेगा या कुछ भी, क्योंकि भाई वो भी छोटा यूट्यूबर है, आप भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, ये चीज़ यूट्यूब को पकड़ में आ जाती है। और दूसरी बात, आपका सपोर्ट है ठीक है, लेकिन वो बंदा उस टाइम आपका वीडियो देख लेगा और आप उसका वीडियो देख लोगे, उसके 2-4 दिन बाद आप उसके चैनल को भूल जाओगे, वो आपके चैनल को भूल जाएगा, क्योंकि वो लोग नए लोगों को जोड़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो जितने साथ में है उनके जोड़ने के चक्कर में नहीं है। सॉरी गाइज, चिड़ियों का जो शोर है उसको थोड़ा माफ करिएगा, उनको तो नहीं भगा सकते हैं, तो वो चीज़ आप लोग मत करो, ये सब और सब बिल्कुल मत करो, इससे चैनल हर हद तक डाउन होता है, इससे आपको कोई सपोर्ट नहीं। अगर आपको सच में सपोर्ट चाहिए ना, तो फिर आप सच में ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको रियल सपोर्ट कर सके, और आप लोग सपोर्ट के पीछे ना भागो। आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो दूसरों को सपोर्ट करना सीखो पहले, और उसके बाद आप सबसे ज़्यादा फोकस जिस चीज़ पे करना है कि अपने चैनल को ग्रो कैसे करें, इस चीज़ पर फोकस करना है। आपने अगर ये सब फोर सब बंद कर दिया, जैसे कि किसी के चैनल पर जाके सपोर्ट करो ये सब लिखना बंद कर दिया, तो आपका व्यूज सब्सक्राइबर ये बिल्कुल भी नहीं घटेगा। एक तो ये होता है कि आप लोग किसी के चैनल पर लाइव में जाके ऐसा बोलते हो, इस वजह से आपका व्यूज लाइक घटता है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर ऐसा नहीं करते हो तब भी आपका व्यूज घटता है, तो वो क्या है, ऐसा होता है कि आप अभी वीडियो डाल रहे थे जब आपका अच्छे खासे व्यूज बढ़ रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से आपने गैपिंग कर दी है वीडियो डालने में, वीडियो नहीं डाल रहे हो, गैप कर रहे हो, तब भी बहुत से टाइम में, जैसे एक हफ्ते में 2 वीडियो डाला है, तब भी ऐसा होता है कि आप इन एक्टिव हो जाते हो, तब भी आपके चैनल पर ये देखने को मिलता है कि सब्सक्राइबर वगैरह घट रहा है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं भैया ये तो वीडियो ही नहीं डाल रहा है, देखेंगे क्या हम, तो इसलिए तब भी घटते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आपको इतना इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि छोटे यूट्यूबर आगे कैसे बढ़े, जो लोग शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं और वो लोग आगे कैसे बढ़ें, लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं वो लोग आगे कैसे बढ़ें, तो इसका भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन अभी आप लोग ये बताइए मुझे कि आपको ये सब फोर सब करके क्या मिला है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक चैनल था पुराना बहुत, 1-1.5 साल पहले, तो मैंने भी उस पर ये किया था, भाई मेरा एक सब्सक्राइब कर दो, मैं आपको सब्सक्राइब कर दूंगी, ठीक है बच्चा, वो कर दिया मेरे को सब्सक्राइब। उसके बाद मैंने उसको किया, वो मुझे किया, कम से कम ऐसे करके मैंने 500 लोगों को जोड़ लिया। मेरे को मोटिव क्या था कि चैनल को मोनिटाइज कराना है, यही। लेकिन चैनल मोनिटाइज करा के क्या करोगे जब उसमें व्यूज नहीं है, ग्रोथ नहीं है, व्यूज नहीं है, तो पैसा नहीं बनेगा मोनिटाइज से, ठीक है। और मैंने 500 सब्सक्राइबर गेन किया, लेकिन एक दिन शाम में करीब 10 बजे मैंने देखा अपने चैनल पर कि उसमें जो 500 सब्सक्राइबर था एकदम से घट के 150 सब्सक्राइबर रह गया। वो टाइम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगा मेरे को, अरे भाई मैंने 500 सब्सक्राइबर गेन किया था, एकदम 150 कैसे रह गया। तो वजह ये थी कि वो सब फोर सब वाला था, YouTube ने पकड़ लिया, और YouTube आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है और पकड़ता है। तो इस चीज़ से आप लोग बचें, मेरा तो 500 से 150 रह गया। आप लोग सोचो अगर आपका 500 से 150 रह जाएगा, क्या बीते आप पे,
उसी दिन से मैंने वो चैनल छोड़ दिया था, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी उस पर कुछ नहीं मिला था। फिर मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया था। तो गाइज, आप लोग भी अगर सब फॉर सब करते हो तो बिल्कुल मत करो। और मुझे है उम्मीद कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होगे कि आपके चैनल पर ग्रोथ क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जितनी भी गलतियाँ थी मैंने बता दी हैं। उम्मीद है सभी समझ गए होगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। और आपका कोई डिमांड है वीडियो पर तो वो भी लाएंगे। और उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।